ब्लू बैटल फील्ड से जुड़े हुए ये 9 महत्वपूर्ण अपडेट्स। चीन के एफ नेवल फोर्स ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को चेतावनी दी। चीन के मुताबिक यूएसएस बेनफोल्ड साउथ चाइना सी में शिजा आइलैंड के पास से गुजरा। चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताते हुए अमेरिकी वॉरशिप को वार्न किया। चीन और पाकिस्तान की नौसेना का संयुक्त अभ्यास जारी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस नेवल ड्रिल से पाकिस्तान की वॉरशिप पीएनएस टक हिल को बड़ा फायदा मिलेगा। यह वॉरशिप पाकिस्तान को चीन से ही मिला है। चीन की नेवी अब येलो सी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस ड्रिल में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत सबमरीन, डिफेंस सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी हमले की प्रैक्टिस करेंगे। विस्तारवादी चीन अब हिंद महासागर के आसपास दबदबा बढ़ाने में जुटा है। नई रणनीति के तहत ड्रैगन भारत को घेरने की योजना बना रहा है। इसी प्लान के तहत म्यांमार लाओस में जारी चीनी प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाई गई है। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस ने मेविक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस ने दावा किया है कि मिसाइल समंदर में युद्धपोतों के लिए काल साबित होगी। इससे रशियन नेवी की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। ब्लैक सी में जंगी अभियान पूरा करने के बाद रूस की घातक सबमरीन सेवेस्टोपोल बेस पर लौट आई है। रूस अब नए सिरे से ब्लैक सी में युद्ध की रणनीति बना रहा है। युद्ध के बीच ब्लैक सी में यूक्रेन की गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं। 16 जहाजों में लादकर अनाज की बड़ी खेप का निर्यात किया गया। इसके बाद 90 और जहाज ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए वेटिंग में खड़े हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने समंदर में जंग की तैयारी की। ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग के दौरान गन फायर को परखा, मॉक टारगेट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये ट्रेनिंग कहां हुई खुलासा नहीं हुआ है। अमेरिकी नेवी की बेहद एडवांस सैन एंटोनिया क्लास युद्धपोत उसे मिल गया है। एंटोनिया कैटेगरी के इस युद्धपोत में लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। घातक मिसाइलें, एडवांस रेडार सिस्टम के अलावा खास तरह की गन युद्धपोत में लगाई गई।